गुड मॉर्निंग क्लास श्रीदीपचंद चौधरी महाविद्यालय से। आज बी फाइनल ईयर का जो आपका टॉपिक है, आपका फर्स्ट पेपर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, वो है आपका साइकोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, हाँ, एंड मेजरमेंट। तो इसमें अपन लोगों को आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यूनिट फोर्थ, ठीक है, यूनिट फिफ्थ है, ठीक है। इसमें आपका जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसकी बात करेंगे कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसकी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन। आज हम दो पोर्शन को कवर करेंगे। तो जो पहली बात कर रहे हैं अपन लोग डेफिनेशंस की, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि पहले डेफिनेशन है फेस्टिंगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, फेस्टिंगर के साथ डी कैट्स ने भी काम किया है, ठीक है। इनका कहना यह है, इनकी डेफिनेशन 1953 की है, इनका कहना है कि एक प्रयोगशाला में जो आधारित प्रयोग हैं उनको परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता प्रयोगशाला में अपनी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां उत्पन्न करता है और उन कुछ चरों को प्रस्थान यानी कि मैनिपुलेशन भी करता है। यदि रिसर्च करते टाइम किसी भी वेरिएबल पे कोई इफेक्ट दिख रहा है तो उस वेरिएबल का मैनिपुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन इसमें एडवर्ड्स की है, एल एडवर्ड्स हैं, इनकी 1971 की डेफिनेशन है। इनका कहना है कि जब एक अनुसंधान समस्या के संदर्भ में, ठीक है, समस्या के संदर्भ में एक अध्ययनकर्ता कुछ चरों पर नियंत्रण करके या उनका मैनिपुलेशन करके कुछ अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है आईजेन की, आईजेन का कहना है, इनकी डेफिनेशन 1972 की है। इनका कहना है कि प्रयोग वह होता है जिसमें चरों को अपनी योजना के अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं और हम उनका निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्वतंत्र चर या जो आपके आश्रय चर हैं या स्वतंत्र चर पर यदि किसी बाहरी चर का प्रभाव पड़ रहा है तो हम उन चरों को नियंत्रित करके या उन्हें फेरबदल कर करके हम उस अनुसंधान को अपनी इच्छा अनुसार तैयार कर सकते हैं। लास्ट डेफिनेशन है करलिंगर की 1978 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका कहना है कि एक प्रयोगशाला जो कि वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है, ठीक है, मतलब जो भी अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक विधियों से लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मुंह जबानी कुछ नहीं होता है, साइंटिफिक मेथड को हमें बाकायदा उसमें लेके चलना होता है और जिसमें सभी प्रभावशाली स्वतंत्र चरों और उनके प्रसरणों, मतलब जो भी स्वतंत्र चर है और उनका जो डाटा है, जो स्वतंत्र चर से डाटा निकल रहा है, वो इन सभी को हम समस्या के अनुसार तुरंत यदि हमें बदलना पड़े या उन्हें हटाना पड़े तो हम उसमें न्यूनीकरण यानी कि उसमें कम या अधिकता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अनुसंधान को भौतिक परिस्थितियों में या प्रयोगशाला में हम लोग कर सकते हैं और इसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर के भीतर हम प्रस्थान यानी कि मैनिपुलेशन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी, अब हम बात करते हैं विशेषताओं की, ठीक है। तो विशेषताओं में भी देखिए पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं होती है क्योंकि आईवी का इफेक्ट डीवी पे होता है, डीवी का इफेक्ट आईवी पे नहीं होता है, इसलिए हमें मेन रूप में क्या देखना होता है, आईवी। और आईवी पे अगर किसी बाहरी वातावरण का या किसी भी ऐसे एक्सट्रोनियस वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारा काम होता है कि हम उसको, इस वेरिएबल को या तो नियंत्रित करें या फिर यदि वो प्रभाव पड़ चुका है तो हम उस आईवी को हटा दें और दूसरे आईवी को हम रखें, ठीक है। ये पहला पॉइंट है क्योंकि आईवी ही मेन है, आईवी के बेस पे ही हम पूरी रिसर्च को करते हैं। अब जब आईवी की रिसर्च जो है वो आती है तो उस आईवी की रिसर्च के बेस पे ही हम अगली रिसर्च को तैयार, मतलब उसका जो डेटा है उसको डिफाइन कर पाते हैं। तो डीवी तो आईवी से ही निकलता है और अगर आईवी में दिक्कत होगी तो डीवी में दिक्कत निकल आएगी, तो इसीलिए हमें मेन है हमारा आईवी, हमें उसी को ध्यान देना होता है। और अगर मैनिपुलेशन की जरूरत होती है तो हम आईवी पे ही मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल हमें किसे करना होता है, एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स को, जो बाहरी चर होते हैं जो आईवी पे इम्पैक्ट डालते हैं जिस वजह से डीवी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें हमें नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, बिल्कुल सही बात। हम सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं उसमें एक हमारा आईवी होता है और एक हमारा डीवी होता है। आईवी का इम्पैक्ट हम डीवी पर देखते हैं
तो इसीलिए हमें दोनों को मापना होता है, आईबी को माप करके डीबी निकालना होता है। ठीक है, तो आईबी और डीबी हमारे लिए दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि आईबी से ही डीबी निकलता है, तो हमारे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, वेरिएबल पे तो कंट्रोल करते ही हम लोग, मैनिपुलेशन भी करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट पे भी कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल जो लेबोरेटरी की बात हो रही है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो लेबोरेटरी में कंप्लीट होता है। तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में करते हैं, तो लैब हमें पता है कि हम किस लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और किस मतलब उसमें कैसी उसकी रोशनी होगी, कितना शोर शराबा होगा। ठीक है, और अपने आसपास कैसा माहौल रहता है, हमें कैसा माहौल चाहिए, और अपने आसपास का जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, उसका भी इफेक्ट हमें देखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कंट्रोल में रखनी होती हैं। तो यही तो फायदे हैं लैब में प्रयोग करने के। लैब में प्रयोग करने से हम अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है आपका इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम सभी जानते हैं कि हम लोग डीबी पे आईबी का इम्पैक्ट देते हैं, देखते हैं। तो मेन चीज़ है, क्योंकि डीबी तो अपना इम्पैक्ट आईबी पे छोड़ता नहीं है, तो हमारा मेन होता है कि हम इफेक्ट किसका देखें, आईबी का डीबी पे। ठीक है, तो डीबी को ही हम लोग डीबी के इफेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और उसको ही हम ज़्यादा लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथीसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बात कि जब भी हम लोग जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मेन तो हमारा हाइपोथेसिस पे ही टिका होता है। तो हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ही अपनी पूरी रिसर्च और अपना पूरा आईवी और डीवी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्ट करना हमारा मेन मोटिव होता है, जिसके लिए हम वर्क करते हैं। अगला है आपका डेफिनेटनेस। बिल्कुल सही बात, जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो जो भी टॉपिक हम उठाते हैं, वो टॉपिक बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस वर्ल्ड में होता है और उसकी बिल्कुल निर्धारितता होती है कि ये चीज़ होगी मतलब होगी। तो जब है तो उसको माप भी सकते हैं हम लोग। अगला है वेरीफेबिलिटी। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें अलग अलग जगहों पे कल्चर और रीति रिवाजों, संस्कृति और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन वो चीज़ें टोटल चेंज नहीं होती हैं। वो जो बदलाव है, हम उस बदलाव को भी उसमें नोट करते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। जब भी रिसर्च करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमारे रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी ही हमें चाहिए होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो होता है, वो एक तरीके से जो जेन्युइन, यानी कि जो जेन्युइन है, जो बिल्कुल रियल है, वो रियल फॉर्म को हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जो चीज़ें बनावटी होती हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं आती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में पहले से अपने विचारों को बना ले कि ये चीज़ हमने पहले सोची थी कि ऐसी होगी, तो वैसी ही होगी, लेकिन आपके सोचने और उसके होने में फ़र्क होता है, तो वही फ़र्क को ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। यदि आप उसके बारे में जैसा सोच रहे हैं और आपको उसी फॉर्म में लेते हैं आप उसे, तो वो चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी नहीं, वो सब्जेक्टिविटी में आती हैं। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो पावर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी एक तरीके से क्या बोलते हैं, जब भी आप लोग काम करते हैं, तो प्रोडक्शन करने की आपकी एक पावर होती है। जैसे मान लीजिए, जो भी आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की है, तो हाइपोथेसिस प्रोडक्शन कहलाती है, और प्रोडक्शन करने की पावर एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर में ही होती है। ठीक है, तो रिसर्च करते टाइम प्रोडक्शन करना तो बिल्कुल एक कॉमन सा फैक्टर है, उसी के बेस पे हम लोग हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, तो जो भी फैक्टर हम देखते हैं, तो उन फैक्टर को हमें सार्वभौमिक, यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चीज़ें हमें देख, मतलब वो चीज़ें हम देख पाएँ, उसी टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी होती है। ठीक है, सार्वभौमिकता कहते हैं इसे। अगला है जनरलाइजेशन। जब भी हम लोग कोई पॉपुलेशन में से कोई सैंपल उठाते हैं, तो उस सैंपल का जो रिजल्ट आता है, तो हम होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं, तो उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम लोग सामान्यकृत फॉर्म में साबित कर दें। अगला है थ्योरिजेशन, थ्योराइजेशन। ठीक है, तो मतलब जब भी हमारी जो रिसर्च है, अगर वो सही होती है और उसके जो रिजल्ट हैं वो सही आते हैं, और हमारी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट होती है, तो हमारी जो थ्योरी है वो एक सिद्धांत का रूप भी ले सकती है। ठीक है, और अगली है रिलायबल और वैलिड रिजल्ट। बिल्कुल सही बात, जब भी हम लोग
पेपर या फिर किसी भी साइंटिफिक मेथड के फॉर्म में कुछ प्रूफ प्रेजेंट करते हैं तो वो प्रूफ रिलायबल भी होते हैं और वैलिड भी होते हैं और उन्हें आगे लोग यकीन भी उन पर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।